समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बदायूं के पूर्व विधायक आबिद रजा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा और आबिद रजा ने समाजवादी पार्टी और नेतृत्व के लिए आस्था भी जताई। समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा, आबिद रजा का ये बयान। और पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। आबिद रजा ने समाजवादी पार्टी और नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था जताई और पार्टी ज्वाइन कर लिए। देखिए तस्वीरें, समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम करूंगा और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए भाजपा सांसद कौशल किशोर मिश्रा ने यूपी में निवेश को लेकर ट्वीट के जरिए किए गए अखिलेश यादव के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में निवेश नहीं आया और अब वो विपक्ष में है इसलिए निवेश आने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की वजह से यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। सर, अखिलेश यादव ने निवेशकों को लेकर के कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश नहीं आया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अखिलेश यादव जी का काम है विरोध करना। जब उनकी सरकार थी तो कहीं से भी कोई निवेश नहीं लाए और उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज रहा, गुंडा राज रहा, तमाम दंगे होते रहे, सांप्रदायिक दंगे भी होते रहे। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए तमाम निवेश जो है उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हर जिला एक उत्पाद भी उत्तर प्रदेश पे लागू है और अब इंडस्ट्री और ज़्यादा कुटीर उद्योग ज़्यादा ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। अभी जो लोग गए हैं विदेश, जो मंत्री लोग गए हैं निवेश के संबंध में बातचीत करने, निश्चित तरीके से कुछ ना कुछ लेकर ले आएंगे और उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ेगा और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निभाने का काम करेगा। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं तो उनका काम है विरोध करना, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। राजधानी दिल्ली से खबर है, पाकिस्तान नेता बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध हो रहा है। पीएम मोदी को लेकर बिलावल भुट्टो ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। यूपी में भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अब लखनऊ में भी भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन होगा। यूएनएससी में बिलावल भुट्टो ने पीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी, जिसके बाद हर जगह पर विरोध हो रहा है बिलावल भुट्टो का। यूपी में भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।